हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे खट्टा पालक की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसके कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे टेस्टी हेल्दी चटनी के लिए मैंने लिया है खट्टा पालक। ये खट्टा पालक है, पालक जैसा ही दिखता है बट इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये 1/2 kg है, इसे मैंने वॉश करके रख लिया है। अब ये है तिल्ली, आधी कटोरी है, कुछ लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, नमक और हल्दी, और उसके अलावा ये है तेल। और तड़का लगाने के लिए सरसों, जीरा, उड़द दाल, करिया पत्ती है, हींग और सूखी लाल मिर्च है। तो सबसे पहले मैंने रखा है पैन, पैन रख कर उसमें मैं तिल्ली डाल रही हूँ। तिल्ली डाल के इसको हमें अच्छे से भुनना है। तिल्ली अगर आपके पास नहीं है तो आप मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हो। अभी तिल्ली को मैंने धीमी आंच पे अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ साइड में। निकाल कर अब सेम इसी पैन में मैं पहले थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, अराउंड 1 स्मॉल टीस्पून होता है उतना डालकर। अभी मैं लहसुन को दरदरा क्रश कर लिया है, क्रश करके इसमें डाल के मैं हल्का भून रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून में तड़का लगाते समय डालूंगी। डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि ये जो पालक है वो खट्टा होता है। आप चाहो तो थोड़ा मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। पालक को अच्छे से मैंने धो के काट लिया था। ज़रूरी नहीं कि इसके पत्ते एकदम बारीक चॉप करें क्योंकि ये इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं कि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। और तड़का लगाते समय मैंने लहसुन का यूज़ किया है। आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो। अभी कढ़ाई में पत्ते बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इसलिए मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही, तो मैं इसे ढक के 2-3 मिनट तक ऐसे पकने के लिए रख दूँगी। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन निकाल रही हूँ। पत्ते थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अब मिलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। ये पालक बहुत जल्दी पक जाता है। इसके पत्ते थोड़े से चिकने होते हैं और नॉर्मल पालक के कंपेरिजन में बहुत जल्दी पक जाते हैं और इसका टेस्ट भी थोड़ा खट्टा होता है। ये पालक में विटामिन सी, विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है, जो हमारे आँखों के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही स्किन भी बहुत अच्छा रहता है और इससे मेटाबॉलिज्म भी बेस्ट रहता है और स्पेशली टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब ये थोड़ा सा पक गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना हल्दी। हल्दी जस्ट मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून नमक। नमक डालकर अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक डालने से ये और ज़्यादा जल्दी पक जाएगा। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरी तरीके से गल नहीं जाता है। इसे पकने में अराउंड 5 मिनट का टाइम लगा है। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे गैस का फ्लेम ऑफ करके साइड में रख दे रही हूँ। अब तिल्ली ठंडे हो गए, तिल्ली को मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तिल्ली की जगह आप चाहो तो मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हो। मूंगफली को भून के छिलका उतार के उसका पाउडर कर लेना। अभी मैं तिल्ली को फाइन पाउडर बना ले रही हूँ। तिल्ली का पाउडर बन गया है, अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। तिल्ली का पाउडर हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो भाजी है उसका जो खट्टापन है वो बैलेंस रहे और टेस्ट अच्छा रहे। अब आप देख सकते हैं पालक बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें ऐसे ही तिल्ली का पाउडर डाल सकते हो या मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर सकते हो या इस तरीके से दाल घोटने से घोट भी सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके से घोटना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। ग्राइंड करने से टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से घोट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तिल्ली का पाउडर। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो तिल्ली पाउडर डालना आप स्किप भी कर सकते हो, बट तिल्ली पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और खट्टापन थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का। आप बिना तड़का लगाए ऐसे भी इसको खा सकते हो, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है, बट तड़का लगाने से इसका टेस्ट और अच्छा रहेगा। ये चटनी टेस्टी तो है ही बट वेट लूज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम लगाएंगे तड़का। उसके लिए मैंने रखा है एक पैन। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून जितना ऑयल। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ उड़द दाल और थोड़ा सा हींग। फिर उसके बाद तड़के की 1 by 1 हम सारी चीज़ें डालेंगे। ये चटनी में तेल बहुत कम लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अभी मैंने इसमें डाला है सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डाल के उसके बाद मैं इसमें डालूंगी करिया पत्ती। ये चटनी आप बना के 3 दिन तक फ्रिज के बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में रख के आप इसे 1 वीक तक भी यूज़ कर सकते हैं। अब
तड़का बन के रेडी है, मैं इसको डाल रही हूँ चटनी के ऊपर। चटनी के ऊपर डाल के तुरंत ढककर रखने से चटनी में तड़के का बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा। ये चटनी आप इडली, डोसा, रोटी, चावल किसी के भी साथ सर्व करो, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। अब आप भी ये टेस्टी और हेल्दी चटनी ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।